हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ शेयर। आज के लेक्चर में हम इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 8 और सॉल्यूशन नंबर 8 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 और सॉल्यूशन नंबर 8 जो हमारा बिलोंग करेगा वो कैश बुक और जर्नल एंट्री के कंसेप्ट पे करेगा, कि जब भी आपको क्वेश्चन में कैश बुक के साथ जर्नल एंट्री करने के लिए दी गई हो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में, तो किस तरीके से आपको कैश बुक बनानी है और किस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है, यही हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज की इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हम बता रखा है लिमिटेड कंपनी ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एंड 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर वॉज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर और अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर। The amount of preference share was payable as follow: on application ₹3 per share, on allotment ₹4 per share, on first call ₹3 per share. All the share were fully subscribed, called up and paid. Record this transaction in journal and the cash book of the company. देखिए इस क्वेश्चन में हमें टू पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा। पहले तो एक कंपनी है जिसने क्या करा, इक्विटी शेयर इशू करे कितने, 10,000 रुपीज के, ₹10 का एक शेयर था, पर कंपनी ने ₹2 प्रीमियम पे इशू करा, जैसे बता रखा ना क्वेश्चन में एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो कंपनी ने ₹2 प्रीमियम पे हर एक शेयर को इशू करा। उसके बाद बता रखा है कि 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे। ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर आप देख रहे हैं, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर। तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे कंपनी ने और ₹10 का एक प्रेफरेंस शेयर था जो कि उसकी फेस वैल्यू थी। अब यहाँ पे बता रखा है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर को कैसे मंगवाया जनरल पब्लिक से, तो एप्लीकेशन पे ₹3 मंगवाए, अलॉटमेंट पे ₹5 मंगवाए जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, फर्स्ट कॉल पे ₹4 मंगवाया। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने किस तरीके से मंगवाया जनरल पब्लिक से, एप्लीकेशन पे ₹3 मंगवाए, अलॉटमेंट पे ₹4 मंगवाए और फर्स्ट कॉल पे भी ₹3 मंगवाए। बता रखा है क्वेश्चन में कि सारे शेयर फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं, कोल्ड अप हो चुके हैं और पेड भी हो चुके हैं। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के साथ आपको कैश बुक बनाने के लिए दे रखे हो, तो कैश बुक में आप वही एंट्री नोट करेंगे जब कंपनी को पैसा रिसीव हो गया जनरल पब्लिक से, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और जनरल प्रॉब्लम में, जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री में हम सारी वो एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें अमाउंट ड्यू होता है। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन मनी करते हो, एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं, तो सबसे पहले रिसीव्ड की एंट्री होती है। तो रिसीव्ड की एंट्री होती है तो वो आपको पहले कैश बुक में मेंशन करनी है। जब हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो वो ड्यू की एंट्री एक तरीके से मानी जाती है। तो उसको आपको क्या करना है, वो ट्रांसफर वाली एंट्री को जो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको आपको जनरल एंट्री में शो करना है। अब यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे, तो कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके से मैंने लिया है। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक में पैसा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे बैंक कॉलम हमने माना है। पर्टिकुलर अमाउंट आप मान लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। अब जितना भी कंपनी के पास पैसा आया है वो डेबिट साइड मेंशन करना है आपको। सबसे पहले कैसे पैसा आया होगा, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पैसा इक्विटी शेयर पे भी आया होगा और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पे भी आया होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आया होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10,000 से, तो ये आपको पता चलेगा ₹30,000। सेम इसी तरीके से आपको मेंशन करना है टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है अब आपको 5,000 से, तो यहाँ पे ₹15,000 आएगा। सेम इसी तरीके से आपको अलॉटमेंट का मेंशन करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट पे ₹5 था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो ये 50,000 होगा। सेम इस तरीके से मेंशन कीजिए टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर में अलॉटमेंट का ₹4 मंगवाया कंपनी, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो ये ₹20,000 आएगा। अब सेम इसी तरीके से हमने फर्स्ट कॉल भी रिसीव हुई होगी कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, मेंशन करेगी कैश बुक में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई कर देना आपको 4 × 10,000, तो 40,000 आएगा। सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी को रिसीव हुए होंगे, अमाउंट रिसीव हुआ होगा फर्स्ट कॉल पे, तो 2 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, किससे, 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5,000 से, तो 15,000 आ जाएगा। अब इन सबको टोटल कर दीजिए, टोटल करके आएगा 1,70,000। क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 1,70,000 को माइनस करके यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कैश बुक बना लिया
है, कैश बुक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमें जर्नल करनी है। तो जर्नल में अब आपको रिसीव्ड की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कैश बुक आपने ऑलरेडी बना लिया। अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने कैश बुक बनाने के लिए नहीं दिया होता ना, तो मैं जर्नल में भी रिसीव्ड की एंट्री करता। जब जब पैसा कंपनी को रिसीव होता है मैं उसकी एंट्री करता, बट यहाँ पे खाली मैं जर्नल में क्या करूंगा, जर्नल में मैं खाली ड्यू की एंट्री करूंगा। पर उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं, इक्विटी शेयर जो इश्यू हुए थे वो 10,000 रुपीज के थे, फेस वैल्यू 10+2 मैंने इसलिए मेंशन करा क्योंकि 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी और 2 रुपए कंपनी ने प्रीमियम पे बेचे हैं। इसके बाद हमें एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगवाया कंपनी ने, ₹3 मंगवाया। अलॉटमेंट में कंपनी ने ₹5 मंगवाया जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम, तो मैंने इसको 3+2 करके मेंशन कर दिया क्योंकि ₹2 प्रीमियम का था ना, तो यहाँ पे 3+2 रुपीज मेंशन कर दिया गया। और फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने ₹4 मंगवाया। सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर जो इशू करे हैं 5,000 रुपीज के हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे ₹3 मंगवाया कंपनी ने, अलॉटमेंट पे ₹4 मंगवाया और फर्स्ट कॉल पे ₹3 मंगवाया। अब ये डाटा आपके पास है, अब आपको ड्यू की एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर की और प्रेफरेंस शेयर की साथ ही करेंगे जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इन दोनों को डेबिट करना है आपने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने अपनी ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन पे क्या होता है, एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव होता है, उसके बाद उस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया उस अमाउंट को शेयर कैपिटल में। अब अमाउंट किस तरीके से फिल करेंगे इसको समझिएगा। एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹3 मंगवाए थे, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10,000 से, तो ये 30,000 आपका यहाँ पे आएगा डेबिट साइड। सेम इस तरीके से एप्लीकेशन पे प्रेफरेंस शेयर में ₹3 ही मंगवाया गया, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5,000, तो 15,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे फिर से आपका क्रेडिट साइड 30,000 आ जाएगा और क्रेडिट साइड 15,000 आ जाएगा। आई होप कि आपको इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने ट्रांसफर की एंट्री की है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। इसको आप नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि जर्नल एंट्री में अब हम खाली ड्यू की एंट्री करेंगे, कोई भी आपको कैश की एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है क्योंकि कैश की एंट्री आप ऑलरेडी कैश बुक में कर चुके हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद मेंशन करेंगे इक्विटी शेयर 10% शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद मेंशन करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, देन आपको मेंशन करना है टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है कि हमने कंबाइंड प्रेफरेंस शेयर की और इक्विटी शेयर की अलॉटमेंट पे ड्यू की एंट्री करिए। यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर इशू वाले कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे इंक्लूड था क्या प्रीमियम, तो इसलिए हमने यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखा। अब अमाउंट कैसे फिल करना है इसको समझिए, तो यहाँ पे आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो 50,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में आपको क्या करना है, आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 5,000 से, 20,000 आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको जो अमाउंट आएगा, याद रखिएगा कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो वो अमाउंट आपका आएगा 30,000 रुपीज। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो ये आपका 20,000 आएगा। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में तो आपका 20,000 ही आएगा, तो यहाँ पे 20,000 मेंशन कर दीजिए, मेंशन कीजिएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू की। तो सबसे पहले मेंशन कीजिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, देन मेंशन करना होगा 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसके बाद मेंशन कीजिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको सबसे पहले 10,000 से, तो 40,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करना है 5,000 से, तो 15,000 आएगा। फिर आप क्रेडिट साइड में 40,000 लिख देना है और 15,000 मेंशन कर देना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब क्या अमाउंट ड्यू हो गया फर्स्ट कॉल पे। इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने अपने इलस्ट्रेशन की जनरल एंट्री और कैश बुक बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर एंड 2006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पर पेबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन पे इक्विटी शेयर जो कंपनी ने मंगवाया ₹3.50 मंगवाए हैं और अलॉटमेंट पे ₹6.50 मंगवाया है, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे भी ₹2। प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने कैसे मंगवाया है, ₹30 मंगवाया है, 20 देन 25 एंड 25। हमें बता रखा है ऑल दिस शेयर वर फुली सब्सक्राइब होल्ड अप एंड पेड अप, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक। तो यहाँ पे बता रखा है पूरा हमें कि सारे शेयर जो है वो सब्सक्राइब होल्ड अप एंड पेड हो गए हैं, जर्नल एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है और कैश बुक बना के दिखानी है।
देखिए क्वेश्चन में 50,000 के इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, 10 रुपए का एक शेयर था, पर कंपनी ने 4 रुपए प्रीमियम पे भी इशू करे हैं, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं कंपनी ने। प्रेफरेंस शेयर का नाम बता रखा है 6% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक शेयर था, मतलब फेस वैल्यू इसकी 100 रुपीज की थी। यहाँ पे आपको बता रखा है कंपनी ने इक्विटी शेयर कैसे मंगवाए हैं और प्रेफरेंस शेयर कैसे मंगवाया। तो सबसे पहले हम कैश बुक ही बनाएंगे। इसमें कैश बुक में हम सिंपल मेंशन करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 3.3 रुपीज 50 पैसे को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 50,000 से, तो ये आपके पास आएगा 1,75,000। इसी तरीके से प्रेफरेंस पे भी पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर पे भी पैसा आएगा, तो 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेंशन करके 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप किससे 30 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2,000 पे, आपका 60,000 आएगा। इसके बाद आपको मेंशन करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आप अलॉटमेंट पे भी पैसा आएगा इक्विटी शेयर का, तो यहाँ पे आप 6.50 रुपीज को मेंशन मल्टीप्लाई कीजिएगा 50,000 से, तो ये आपके पास आएगा 3,25,000। सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस पे भी आएगा कंपनी के पास, तो यहाँ पे 26% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लेके 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2,000 से, तो 40,000 होगा। सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉल पे पैसा कंपनी को मिलेगा, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट, और मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 50,000 से, तो ये 1,00,000 रुपीज आएगा। और मेंशन कीजिएगा 26% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 25 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2,000 से, ये आपके पास आएगा 50,000। ऐसे फाइनल कॉल पे आप मेंशन कीजिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट, 2 को मल्टीप्लाई करना है 50,000 से, तो ये आपके पास 1,00,000 रुपीज आएगा। और 25 को मल्टीप्लाई करना है 2,000 से, तो ये आपके पास आएगा 50,000। यहाँ पे मेंशन करा आपने 26% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और 50,000 को आपको मेंशन कर देना है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि अमाउंट किस तरीके से हमने मेंशन करा। आपको वही अमाउंट मेंशन करना है जब कंपनी को रिसीव की एंट्री करती है ना, कंपनी को रिसीव की एंट्री करती है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन की मदद से वो सारा अमाउंट को आपको कैश बुक में मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपका 9,00,000 रुपीज। यहाँ पे मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 9,00,000 रुपीज को मेंशन करके हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब क्योंकि आपने सारी वो एंट्री जो कि रिसीव की एंट्री थी वो कैश बुक में शो कर दी है, अब आपको सिर्फ जनरल एंट्री में ड्यू की एंट्री शो करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर कितने इशू हैं 50,000 रुपीज के, जिसपे फेस वैल्यू 10 रुपीज थी और 4 रुपए प्रीमियम पे कंपनी ने मंगवाया। कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3.50 रुपीज मंगवाया, सेम इसी तरीके से अलॉटमेंट पे 6.50 रुपीज मंगवाया, जिसपे प्रीमियम इंक्लूडेड था। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज मंगवाया कंपनी ने, और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज मंगवाया। इसी तरीके से 6% प्रेफरेंस शेयर इशू जो कंपनी ने किया 2,000 है, फेस वैल्यू यहाँ पे जो है 100 रुपीज की है, एक शेयर 100 रुपए का है। एप्लीकेशन पे 30 रुपए मंगवाया कंपनी ने, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज मंगवाया, फाइनल फर्स्ट कॉल पे 25 और फाइनल कॉल पे 25 रुपीज कंपनी ने मंगवाया। सेम अब इसकी हेल्प से आपको जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री में सबसे पहले एंट्री होगी जो ट्रांसफर करते हैं ना, जब रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन का मनी, तो अब हम क्या करते हैं उसे ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,75,000 आप मेंशन कर देंगे। कैसे 1,75,000 मेंशन करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि एप्लीकेशन जो थी 3.50 रुपीज की थी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो 1,75,000 आएगा। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से, 60,000 आएगा। सेम इसी तरीके से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपका फिर 1,75,000 आ जाएगा। टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 60,000 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो सबसे पहले लिखिएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने ड्यू की एंट्री कर दी है, दोनों की कंबाइन करी हमने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की। यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड था। अब यहाँ पे अमाउंट फिल करना है आपको, तो सबसे पहले 6 रुपीज 50 पैसे को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा 3,25,000। सेम इसी तरीके से जब आप 20 रुपीज को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 40,000 आएगा डेबिट में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको 2.50 रुपीज को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 1,25,000 आएगा। 4 को आप 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 2,00,000 रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से जब आप यहाँ पे, तो हमारा 26% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में 40,000 था, तो यहाँ पे भी हमारा 40,000 ही आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब हम करेंगे फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। तो ये एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, 1,00,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 25 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 आएगा। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड भी 1,00,000 आ जाएगा, और 50,000 आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें बात करनी है, यहाँ पे नरेशन लिखनी है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। तो वही सेम तरीका है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 26% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल होगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 से तो 1 लाख आएगा। यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2,000 से तो 50,000 आएगा। फिर आपको 1 लाख क्रेडिट साइड और 50,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है। यहाँ पे मेंशन करना है अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जनरल एंट्री में वही एंट्री करनी है जिसमें अकाउंट ड्यू हुआ हो, क्योंकि इसके लिए हम कैश बुक ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।